फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। इस वीडियो में हम जानेंगे गेंश्योर सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के बारे में, जिसको फोइनिक्स बायोटेक नाम की कंपनी बनाती है। तो जानेंगे इसके इस्तेमाल के बारे में और इसके इस्तेमाल से मिलने वाले फायदे के बारे में। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक आहार पूरक यानी कि डायट्री सप्लीमेंट है, जो हड्डियों की कैल्शियम सामग्री को बढ़ाता है, हड्डी की ताकत और खनिज यानी कि मिनरल सामग्री को बढ़ाता है, गिरने और फ्रैक्चर की संभावना को कम करता है, शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरी करता है। गेंश्योर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एक आहार पूरक यानी कि डायट्री सप्लीमेंट है, जो हड्डियों के कैल्शियम सामग्री को बढ़ाता है और शरीर को कैल्शियम का प्रभावी तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। यह हड्डियों की ताकत और खनिज यानी कि मिनरल सामग्री को बढ़ाता है और गिरने और फ्रैक्चर की संभावना को भी कम करता है। यह शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और अब बात की जाए कॉम्पोजिशन यानी कि मुख्य सामग्री की, तो इसमें कैल्सिट्रियोल, कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक। और अब बात करें गेंश्योर कैप्सूल के कुछ खास फायदे के बारे में, तो कैल्शियम नसों यानी कि नर्व्स, कोशिकाओं यानी कि सेल्स, मांसपेशियों यानी कि मसल्स और हड्डियों के सामान्य कामकाज यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे खून में पर्याप्त कैल्शियम नहीं होगा तो हमारा शरीर हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देगा, जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम का सेवन ज़रूरी है। कैल्सिट्रियोल विटामिन D3 का एक सक्रिय रूप है, जो कैल्शियम के अवशोषण यानी कि ऑब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार ये कैप्सूल शरीर की कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से होने वाली हड्डियों की बीमारियों से भी बचाता है और कैल्शियम की कमी से हुई हड्डियों की बीमारियों को भी ठीक करता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा भी कम हो जाता है। और अब बात करें इस कैप्सूल के इस्तेमाल के बारे में, तो इसको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। जैसे आपके डॉक्टर आपको ये कैप्सूल लेने को कहें वैसे ही लेना चाहिए, लेकिन जैसा आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको वैसे ही आपको इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। अपनी मर्ज़ी से इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हमेशा ही फिजिशियन यानी कि डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। अगर डॉक्टर ये कैप्सूल लेने के लिए आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तभी आपको ये कैप्सूल लेना है, तभी इसका इस्तेमाल करना है। अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल या फिर किसी तरह के हेल्थ केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और डॉक्टर आपको जैसा इलाज दे, जैसा ट्रीटमेंट दे, वैसे ही आपको ट्रीटमेंट लेना है। सेल्फ ट्रीटमेंट से बचें, अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल ना करें। और याद रहे कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के मकसद के लिए बनाई गई है। मैं आपको कभी भी किसी भी तरह की दवा या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आपको कोई समस्या है आपके स्वास्थ्य से संबंधित, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर पहले डायग्नोस करते हैं और जैसी आपकी बीमारी होती, जैसी आपकी परेशानी होती है, उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।